आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जय जय राधा कृष्ण युग मीना, जय जय राधा कृष्ण मीना, जय जय राधा कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare
अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्य प्रभजन्तमन पेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर वो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा लो बोलो हरे कृष्ण जोर से गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं जताजु के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। श्री जन्माष्टमी को उपलक्ष्य करते हुए आज हम लोगों ने नगर संकीर्तन किया और 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन्माष्टमी कृष्ण के लिए, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत ये है को ये कृष्ण ही है। इसलिए शास्त्र में बताए बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवीस कलो नष्टा दृशमेस पुराण अर्क अधुनादित। तात्पर्य है जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी ये घोर कलियुग का, ये कली मतलब क्या है, जहाँ पर केवल कलह झगड़ा झगड़ा भाई भाई में झगड़ा बहू बहू में झगड़ा पड़ोसी में झगड़ा ऑफिस में झगड़ा हैं और देश देश में झगड़ा मन मन में झगड़ा जहाँ केवल कलह कलह है। इसलिए ये कलियुग जीव का कल्याण कैसे होगा, अभी तो भगवान ये दुनिया छोड़ करके चले गए। इसलिए कृष्ण ही स्वयं ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भागवत में बताया ये भागवत नहीं बोले तेन अयम बांग मई मूर्ति। भगवान का 8 तरह का भगवान का मूर्ति है, 8 वस्तु चीज को द्वारा बनाई जाती है। जैसे एक मिट्टी से देखे होंगे ठाकुर जी बनता है, कभी अष्टधातु से, कभी पीतल से, कभी सीमेंट से, कभी पत्थर से हैं, कभी तस्वीर रूप में, कभी मन में, जिसको मन में ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान कलियुग में किस रूप में प्रकट हुए हैं, बल्कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में। इसलिए भागवत को बताया ये सप्त ब्रह्मा, जैसे हरे कृष्ण एक बार सबके सब बोलो मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
लेकिन अक्षर रूप में कितना हरि से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम है। उसी तरह भगवान कलियुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में जीव के कल्याण करने के लिए ठाकुर जी आए। इसलिए भागवत में द्वादश खंड है, स्कंद है। द्वादश मतलब 12 खंड है, बल्कि ये 12 खंड नहीं, जो भागवत का प्रथम द्वितीय स्कंद है, ये बांके बिहारी की दो चरण है। तृतीय चतुर्थ स्कंद ये ठाकुर जी की दो जंघा है। पंचम स्कंद भगवान की नाभि कमल। षष्ठ सप्तम स्कंद ये भगवान की दो भुजाएं हैं। अष्टम स्कंद भगवान की वक्षस्थल। नवम स्कंद भगवान की कंठ। दसम स्कंद ये बांके बिहार की मुखारविंद। एकादश स्कंद भगवान की ललाट। और जो द्वादश स्कंद भगवान की सर। इसलिए यदि ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये कृष्ण स्वयं कलियुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए। इसलिए कथा सुनना और कृष्ण से मिलना कोई अलग बात नहीं। कथा हम कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान को साथ में हम साक्षात्कार कर रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी को साथ में हम साक्षात रूप में मिल रहे हैं। इसलिए भगवान कलियुग में जैसे अंधकार होने से क्या होता है, चोर डाकू गुंडा बदमाशी इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन सूर्योदय हो जाए फिर क्या हो, फिर सारे डर भय खत्म हो जाती है। उसी तरह ये जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ दिए, अभी कलियुग आ गया। कलियुग मतलब ये अंधकार, ये अंधकार आ गया। अभी ये अंधकार से बच्चे कैसे, बोले कलियुग में कृष्ण स्वयं फिर ये भागवत ग्रंथ रूपी ये सूर्य को साथ में उदाहरण दिया है। ये ग्रंथ नहीं, ये कृष्ण रूपी ये सूरज है। जब भागवत ग्रंथ रूपी सूरज प्रकट हो गया, फिर सारे अंधकार खत्म। अंधकार खत्म हो गया तो जितने गुंडे बदमाशी चोर डाकुओं का जो डर है, ये सब के सब हमारे हृदय से खत्म हो गई है। इसलिए ये भागवत नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए हम लोग भी कृष्ण की जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा सुन रहे, मतलब भगवान एक दिन हमारे हृदय में भी ये कृष्ण जन्माष्टमी का दिन कृष्ण कथा होगी, मतलब कृष्ण हमारे हृदय में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाले। बस श्रीमद् भागवत कथा जय में आनंद लेना। आज कोई व्रत रखना है, व्रत नहीं है ना, अभी तो बढ़िया प्रसाद है। जितना जोर से जय दोगे ना, भगवान की थोड़ी जय होता है, तो जो जितने जोर से ठाकुर को जय दोगा उसका उतना ही पाप खत्म होगा, और तुम्हारी ही जो जितने जोर से जय देगा तुम्हारी जय होगा। इसलिए बोले जय दिले जय हवे, जय देने से क्या होगा, तुम्हारी जय होगा। इसलिए जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथा इसलिए हम लोग ये 7 दिन तक ये भागवत कथा श्रवण करेंगे, हैं? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते एक जन्म नहीं बल जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य कब प्राप्त होगा, बोले हे परीक्षित एक जन्म नहीं बहु जन्म समर जितना, करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कभी सौभाग्य उदय होगा तभी ये कथा सुनने का तभी प्राप्त होता है, तभी मौका मिलती है। इसलिए संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारा पास में पैसा होना, जो पैसा के बल पर जो काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमें कोई मदद करने वाले हो, जन बल हो, जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बल क्या, बोले मन की बल। अगर भले ही तुम्हारे पास में कुछ नहीं हो, अगर तुम्हारे पास में मन का बल होना, जो काम को तुम कर सकते हो। लेकिन जगत में सबसे बड़ा बल क्या है, बोले आत्मबल है। सबसे बड़ा बल कौन सा बल, आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम
आत्म बल से कर सकते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई जनबल से नहीं कर सकते, न तो कोई धन बल से कर सकते, न तो कोई मन बल से कर सकते, न तो कोई आत्म बल से कर सकते। जब तक ठाकुर जी की बांके बिहार की और गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो, तब ये भागवत कथा कोई रख ही नहीं सकते हैं और ये कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। इसलिए बड़ी भाग्य से ये भागवत कथा सुनने को सौभाग्य मिलता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं। कहते परीक्षित, ये भागवत कथा की इतने महिमा, बल कितने महिमा, बल स्वर्गे सत्य दया से वैकुंठे नास्ते अमरस। मतलब है कि तो स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवता का सौभाग्य में भी ये भागवत कथा नहीं जुट सकता है। जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं, हैं, जिन जिन देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं, स्वर्ग से सारे देवता अकेले नहीं, देवियों को साथ में, देवता देवियों को साथ में संपूर्ण स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, आप परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? श्रृंगेरी से नभी साप दिया ना, सात दिन में मरने वाला, सांप काटेगा ना, लो ये अमृत पिला दो, सांप काटने पर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कथा अमृत को हमें पिला, ये भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी देवता को खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया। बोले तुम लोग बड़े मतलबी हो, अपना केवल मतलब का हासिल करना जानते, को कथा को मणि मान, ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं भाग्य बिहार, ये कृष्ण है। और ये तुम जो अमृत लाए हो, ये अमृत क्या है, ये अमृत क्या, अमृत पीने से क्या होता है बताओ, अमृत पीने से क्या होगा? धीरे 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 तुम्हारी पुण्य खत्म होगा। बोले तब तक ये देवता लोग स्वर्ग में रह सकते हैं? बोले जब तक पुण्य समाप्त नहीं होता है, पुण्य समाप्त तो होते ही ना धक्का मार करके गिरा दे कहीं पर, एक मिनट के लिए वहां रह नहीं सकते हो। इसलिए स्वर्ग अमृत पान करने पर पुण्य खत्म होता है, लेकिन कथा अमृत को पान करने से पुण्य खत्म नहीं, पुण्य बढ़ेगी, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी, ये खत्म नहीं होगी कथा सुनने पर, धीरे धीरे तुम्हारी पुण्य बढ़ते रहेंगे पुण्य। बोले स्वर्ग का अमृत पान करने के लिए, बोले स्वर्ग अमृत को कौन पान कर सकते हैं? सभी नहीं, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का जगत का पुण्य उदय होगा वो स्वर्ग अमृत को तभी वो पान कर सकता है, लेकिन कथा अमृत को पान करने के लिए बोले कुछ भी करने का तुम्हें जरूरत नहीं, केवल आओ बरात हाल में बैठ जाओ, बस ये अमृत को पीते हो। और स्वर्ग अमृत पान करने से मरोगे, लेकिन कथा अमृत अमृत पान करने से तरोगे, मरोगे नहीं, तर जाओगे कथा अमृत को पान करते हुए। इसलिए उन्होंने भगा दिया देवताओं को। इसका मतलब है जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हैं वो देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा, आप देवताओं से भी ज्यादा सौभाग्यशाली। जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ अमृत कलश देने पर भी, लेकिन आज हम बैठ करके वो कथा को पान कर रहे हैं, मतलब हम देवताओं से भी ज्यादा पुण्यशाली है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये सौभाग्य देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है। बोले भैया देवता को बात ही छोड़ दो, देवताओं का बात ही छोड़ दो, उसको सात लोग ऊपर में ब्रह्म लोग हैं, जहां पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते वहां पर भी जन्म लेने पर भी भैया वहां पर भी हम वहां पर भी कथा अमृत नहीं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जिस समय कहीं अगर ये भागवत कथा होती है, बोले कथा है तो बेदे भावना भी आए, कथा है तो बेदे
कथा में यही चीज होती है, हाँ यही चीज पता चलता है, ये मानव शरीर साधारण जन्म नहीं, हाँ ये मानव जन्म नहीं, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर ने दिया है, कोहिनूर हीरे दिया है। एक श्वास जो चला गया, अगर करोड़ों रुपया दे दोगे ना, एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो। समझो कोई अरब खरबपति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसकी ये अंतिम श्वास है, अगर वो व्यक्ति बोले मैं 10 कोहिनूर हीरे देता हूँ और 4 श्वास उसका दिला दूँ, दे सकता है? नहीं। एक श्वास जो गया है अरब खरब रुपया में, एक श्वास को तुम वापस नहीं ला सकते हो। ये जीवन की इतनी कीमत है, इसलिए भगवान स्वयं राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। बोले क्या समझा रहे हैं? बोले साधन धा मो मोक्ष कार्य तारा, साधन धा मो मोक्ष कार्य तारा, केवल उन्होंने 2 प्यार दिया है, जो आप घर से यहाँ तक भागवत लगाया है। कोई गधे कुत्ते सुअर आया है? अगर कोई सुअर की इच्छा हो ना, भैया कथा हो रही है चलो थोड़ा सुन करके आए, अगर गेट में आए ना डंडे लेकर भगाइए उसको, वो गेट बंद में घुसने नहीं देंगे। मतलब है केवल ये मानव शरीर में ही हम ये सत्संग में कथा में बैठ सकते हो, और किसी जीवन में ये कथा में तो बैठ भी नहीं सकते हो। केवल एक ही मन लिया है जो ठाकुर जी की चरण को हम चिंतन कर सकते हैं, केवल 2 ही कान दिए हैं जिसको द्वारा केवल हम कथा सुन सकते हैं, केवल एक हृदय दिया जिसको ठाकुर को हम स्मरण कर सकते हैं। और कोई कर सकते है बता? और कोई कर सकते हैं? इसलिए भगवान कह रहे हैं अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, मतलब किसी जीवन में ही तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। लेकिन पाई न जेई पर लोक सवारा, लेकिन ठाकुर जी ये मानव शरीर दिया, लेकिन ये जीवन को पा करके जो पर लोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, दूसरे लाइन में कहते हैं सौ आत्महन गति जाई, वो एक आत्महत्यारा, वो आत्मघाती है, वो एक आत्मघाती है। इसलिए जब तुम सत्संग में हम बैठेंगे, भागवत कथा सुनेंगे ना, 7 दिन के बाद में आप जिस रूप लेकर के आए ना, जब यहाँ से जाओगे संपूर्ण बदल कर ले जाओगे, संपूर्ण बदल करके जाओगे, फिर ये जीवन को नष्ट नहीं करोगे। सोचोगे श्वास श्वास में जैसे हम ठाकुर जी के नाम जप कर, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर करके बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो हरे
इसलिए क्या करनी चाहिए, देवता आए तो देवियों को लाओ और देवियां आए तो क्या करो, देवता को लेकर के आओ, ठीक है ना। इसलिए कल से जितने देवियां आए अपना अपना देवता को लेकर के आना। तो चलो भागवत कथा हो रही है भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में। देखो सबसे बड़े घर में समस्या क्या जानते हो, यहाँ से माताओं को जाकर रोसी बनना है ना, क्योंकि भूखे ना भजन भोई गोपाल, जाकर खाना बनाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कथा के बाद में प्रसाद बना हुआ है, कथा के बाद में प्रसाद मिल जाएगा, कथा मिल जाएगी, हैं पर ऐसी घर बनाए चकाचक, कोई चिंता नहीं है, ऐसी घर में बैठो हैं कथा सुनाओ, कथा के बाद में प्रसाद पाओ। इसलिए क्या करना, कल से अपना बच्चों को ले लेकर आना, ठीक है, बच्चों को साथ में लेकर के जरूर आना। और कल एक विशेष है हमारे 10 से लेकर 12 बजे तक हर साल एक सेमिनार होती है ना, हम जो यंग बच्चे हैं अभी तो आप लोग जो बड़े सब पहले संस्कार आपको पर पढ़ी हुई है, गीता रामायण भागवत पढ़ते हो, लेकिन अभी जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अभी बच्चे बिगड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्या बिगाड़ता है, स्मार्टफोन, उसको स्मार्टफोन पकड़वा दिया है। हमारे गुरु जी के पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरु जी ये बेटा बात नहीं सुन रहा है मेरा, पहले तो थोड़ी बहुत सुनता था लेकिन जब से शादी हो गया पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको पत्नी ने एक रात में पता नहीं क्या मंत्र कान में दे दिया, इतना दिन तक मेरी मंत्र कोई काम नहीं किया, अभी उसकी मंत्र में पता नहीं तब तो एक बात नहीं सुनता है मेरा। देखो गुरु जी कहते थे, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा और बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही दुर्गति होगा। बोले अगर तू रामायण पढ़ता, अगर बच्चे को रामायण पढ़ाता, रामायण में क्या लिखा है, बोले प्रातः उठ रघुनाथ माता पिता गुरु नामाई माता। भगवान राम सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता गुरु जी को चरण छूते हैं। रामायण देखो रामायण, जब दशरथ महाराज शयन कर रहे हैं, रामचंद्र क्या कर रहे हैं, पिताजी की चरण की सेवा कर रहे हैं, पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। अगर वो रामायण तो पढ़ाता ना, अगर खुद पढ़ता तो बच्चे भी सुनते, भैया भगवान भी उठ करके सवेरे पिता माता की चरण छूते थे, अपना गुरु जी की चरण छूते थे, पिता जब शयन करते चरण दबाते थे। इसलिए मैं भी उठ करके सवेरे पिताजी की चरण छूंगा, गुरुजन के चरण छूंगा, पिताजी को प्रणाम करना, तभी तो सीखता। लेकिन गुरुदेव कहते मतलब बच्चे को तो स्मार्टफोन पकड़वा दिया 10-10, 20-20 हजार का, जिससे जीवन बिगड़ जाए, जिससे जीवन बिगड़ जाए, वो चीज तो तुमने बच्चे को पकड़वा दिया। लेकिन तुमने ये नहीं बताया बेटा थोड़ी सी तुम घर सवेरे एक माला जप करो और एक थोड़ी सी 10-15 मिनट रामायण तो पढ़ा करो, नहीं तो गीता पढ़ो, ये बात तुमने तो बताया नहीं कभी, खुद तो गीता नहीं पढ़ते हो, रामायण नहीं पढ़ते हो, खुद तो जीवन में आचरण नहीं करते, बच्चों को कैसे क्या करो है। इसलिए एक इंडोनेशिया का देश है, वो मुसलमान कंट्री है, हमारे भारत से संतों को बुला करके ले जाते हैं, एक मुरारी बापू आप नाम सुने होंगे, इनको भारत से बुला करके ले जाते हैं। बोले क्यों, बोले मुसलमान लोग कहते हमें रामायण सुना। बोले क्यों रामायण क्यों सुनते हो, बोले रामायण सुनने पर हमारी बच्चों के अंदर में संस्कार पड़ेगा, हमारी घर की बहू और जो बेटी है वो संस्कार बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। क्यों, भगवान राम ने एक धोबिनी एक बात बोल दी तो तक उन्हें त्याग दे दी, अपना सीता लक्ष्मी को त्याग दिया उन्होंने। बोले क्यों, बोले जगत को शिक्षा देने के लिए, कहते अगर रामायण पढ़ेंगे तो भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए है, कैसे रामचंद्र पिताजी की आदेश को पालन करने के लिए अपना मैया नहीं सौतली मैया कई कई को आदेश उनकी वाक्य पालन करने के लिए पिता सेवा करने के लिए 14 साल के लिए प्रभु वनवास चले गए। अपना बेटे को बोले तो 14 दिन के लिए कहीं जाए, अपना मर्जी से तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है लेकिन एक दिन के लिए पिताजी का बात नहीं सुन सकता। इसलिए गुरु जी कहते थे जो रामायण नहीं पढ़ेगा और बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही दुर्गति होने वाली है।
लेकिन आश्चर्य की बात है हम तो विदेशी जो लड़कियां लड़का का वो चीज को जीवन में पालन कर रहे हैं। रशिया में लड़कियां वो केस कर दिया सरकार के ऊपर में, वहां की लड़कियां कहती हैं हम साड़ी पहन करके हम स्कूल क्यों नहीं जाते, वो साड़ी पहन करके कॉलेज में नहीं जाए क्यों, और हम भारत में बोला हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, हमारे भारत में लड़कियां सरकार ने जीन्स क्यों नहीं पहने हैं, इसको क्यों नहीं पहने, और रशिया में वो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं, और हम सोचते हैं से तो अंग्रेजियों का जो खान पान रहन सहन है ना, अगर हम करें कि बाबा हम क्या हो गए, नहीं शांति सुख हमारी भारतीय संस्कृति से। आप वृंदावन गए हो, आप वहाँ अंग्रेजी मंदिर में जाना, हमारे मंदिर में देखना, वहाँ की लड़कियों को देखना कि साड़ी पहनी तिलक लगाए गले में कंठी माला जप करते हैं, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग उनकी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए कोशिश करते, नहीं ठीक है ना, अपना संस्कृति को ग्रहण करो। इसीलिए कल से 5-6 दिन तक हमारे जो एक ब्रह्मचारी वो आ करके कल से 10 बजे तक, कल 10 से लेकर के सवेरे 12 बजे तक वो सेमिनार देगा यंग बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए वो सेमिनार देगा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। इसलिए कल जितने माताएं और हमारे भाई लोग हैं और तुम्हारे जितने जितने यहाँ पर जो लड़कियाँ बैठे हो कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारे सारे दोस्तों को और जितने लड़के कॉलेज में पढ़ते हो तुम्हारे सारे दोस्तों को कल लेकर के आना, 10 से लेकर 12 बजे तक वो सेमिनार देगा, ठीक है ना। और उसी सेमिनार में ना बहुत सारे यहाँ बच्चे बदले हैं, देखो जो वो लड़की बैठी है वो सेमिनार में से बदले हैं, यहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़कियाँ आए और हमारा जो गजेंद्र अनुरुद्ध है वो एक सेमिनार में वो कहाँ गए, इसलिए एक सेमिनार में वो बच्चे सबके सब बदल गए, सबके सब प्रभु का भजन करते भक्ति करते, इसलिए ठीक है ना। इसलिए अपना अपना बच्चियों को भेज देना और उसको बाद में प्रसाद की भी व्यवस्था है, कथा की भी व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था। और घर में अगर एक बच्चा तुम्हारी भजन में लग जाए, तुम्हारे घर में एक बच्चा अगर प्रभु का भजन में लग जाए, बोले उसका कितना लाभ है, ये नरसिंह भगवान कहते ही बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा बसती सधन्या। ये नरसिंह भगवान कह रहे हैं, बोले कब कह रहे हैं, बोले जब भगवान नरसिंह के अवतार में श्री हिरण्यकश्यप को वध दिया, नरसिंह भगवान प्रह्लाद का प्रह्लाद बेटा मेरे से वर मांगो, बोले प्रभु अगर वर देना चाहते हो एक वर दो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट था आपको कितने हिंसा किया, आपके संतों को हिंसा किया, इसलिए मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। देखो बेटा अगर भजन करेगा ना उसका हृदय कितना बड़ा देखो, अगर भक्ति करेगा बेटा कितना, जिस पिता ने जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश किया, हम आगे सुनेंगे उनकी कथा, जिंदगी भर आग में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, जिस पिता ने जिंदगी भर बच्चे को मारने के लिए कोशिश की, जब भगवान कहते हैं वर मांगो तो क्या वर मांग रहे हैं, मेरे पिताजी को उद्धार कर। लेकिन ये दुनिया में देखना जैसे तुम्हारी 2 बेटे थे तो 3 बेटे तुम्हारी संपत्ति को अगर किसी बेटे को थोड़ी सी ज्यादा मिल गया, किसी बेटे को थोड़ी सी कम मिल गया, वो जब तक जिंदा रहेगा डोकरा डोकरी को गाली बकते गाली निकालते रहेगा, और डोकरा डोकरी हमें कम दिया उसको ज्यादा दिया, जिंदगी भर उनको गाली निकालेगा। लेकिन अगर बेटा अगर प्रभु का भजन करेगा ना, नहीं कभी ऐसे। इसलिए तो भगवान स्वयं स्वर्ग में नृत्य करके अगर बेटे कल के रास्ता पर चले गए दारू पीना सिगरेट पीना जुआ खेलना मदिरा मांस खाना शुरू कर दिया
फिर उसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा। जैसे पुण्य लोग उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। पहले मैंने कथा सुनाया था ना, एक समय कोई एक ज्योति स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, वहां पे देखो अंतरिया सेवा कर रहे थे, लेकिन वो बारंबार बेहोश हो रहा था, रो रहा था। बोले तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आ गया, क्यों रो रहे हो, यहाँ बेहोश क्यों हो रहे हो? बोले देखो मैंने तो पुण्य कर्म किया हो गई, बोले बच्चों को दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब है अगर हमने पैसा कमा करके छोड़ करके गए, बच्चे उसको गलत रास्ता पर लगाया, उसको पाप अभी स्वर्ग में भी नहीं छोड़ेगा। इतने जोर जबरदस्ती पाप, जैसे पुण्य मिलेगा पाप भी मिलेगा, ठीक है? इसलिए क्या करना है, कल सारे बच्चों को भेजना जोर जबरदस्ती। जब हम स्कूल में जोर जबरदस्ती उसको भेज सकते हैं, तो स्कूल में जा, क्या एक दो घंटा के लिए सत्संग में नहीं भेज सकते हो? देखना अगर तुम्हारी बच्चे आएंगे ना, देखना तुम्हारा संपूर्ण बदलते हुए जाएगी, है? देखना चार पांच दिन यहाँ से बदलता हुआ जीवन जाएगा, फिर उद्धम नहीं बचाए घर में तुम्हारे, तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हें चरण छुएगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, ठीक है ना? कल सबके सब बच्चों को भेजना। जय जय। आप लोग हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो? सब जानते हो। देखो जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके अपना दिव्य वैकुंठ में जा रहे थे, अभी सारे अयोध्यावासी तैयारी जाने, सारे अयोध्यावासी, लेकिन देखा सबके सब जाने के लिए तैयारी, लेकिन एक व्यक्ति वहां है ही नहीं। बोले वहां पर कौन नहीं है? बोले श्री हनुमान जी नहीं। बोले भैया कहते ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, होगी मिलना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, होगी मिलना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री भगवान देख रहे हैं, हनुमान कभी मेरे बगैर रहा ही नहीं, अब मैं वैकुंठ जाना चाह रहा हूँ, हनुमान जी कहाँ है? बोले भैया हनुमान जी को ढूंढो। अभी हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी एक कोने में बैठे हैं, बैठ करके आंखों से अश्रू बहाते हुए बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीता। हनुमान जी भगवान के नाम जप कर रहा था, भगवान राम ने पूछा हनुमान जी, सारे अयोध्या वासी बैठे हुए जाने के लिए वैकुंठ, तू यहाँ पर चुपचाप कोड़े में बैठे वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो ध्यान देकर सुनो हनुमान जी क्या कहते हैं। बोले प्रभु आपकी वैकुंठ सांकेत धाम में तुम्हारी कथा मिलेगी सुनने को? क्या मिलेगी तुम्हारी, क्या कथा वहां सुनने के लिए मिलेगी?
भगवान ने कहा भैया जब मैं वहां पर साक्षात रूप में हूँ फिर ये कथा की क्या जरूरत है। देखो हनुमान जी क्या कर बोले, प्रभु आप जहाँ पर हो ये हो सकता है तुम्हारी कथा वहां नहीं हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी कथा हो ना, जहाँ पर तुम्हारी कथा हो आप 100% आप वहीं पर ही मिलोगे। इसलिए भगवान कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। जब भगवान नारद भगवान से पूछे बोले प्रभु आप कहाँ मिलोगे, बोले वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों का हृदय में भी नहीं। बोले प्रभु कहाँ रहते हो, बोले एक जगह पर रहता हूँ जहाँ पर मेरी कथा हो रही, मेरी कथा कीर्तन हो रही है। इसलिए कहते वैकुंठ नास्ते अम रस, बोले आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ बोले वैकुंठ जाने पर भी वो सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। इसलिए भागवत में बताया न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, बोले हे प्रभु जहाँ पर तुम्हारी कथा नहीं, जहाँ पर तुम्हारी कीर्तन नहीं, जहाँ पर तुम्हारी जन्माष्टमी नहीं, जहाँ पर राधाष्टमी राम नवमी नहीं, सुरेश लोक अपनी नई सत्यताम, अगर वो देव लोगों क्यों नहीं हो, ब्रह्म लोगों क्यों नहीं हो, हम वहां जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वही जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारी कथा कीर्तन भजन जन्मोत्सव हो, मैं वही पर रहना चाहता हूँ। इसलिए कहते भैया वैकुंठ में भी नहीं, अगर गरुड़ जी को कभी कथा सुनना हो वो वैकुंठ छोड़ करके वर्त जगत में आते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, हम लोग कितने सौभाग्यवान है, देवता को कथा सुनने के लिए देव लोग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ कैलाश लोग छोड़ना पड़ा, हनुमान जी गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा। लेकिन नोएडा वासियों को, आप बोलो नोएडा वासियों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा तुम्हें, कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते और हमारी घर को सामने आ गई, हम घर में बैठी बैठी करके कथा रूपी गंगा में यहीं पर हमने स्नान कर लिया। मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि ये कथा सुनने को हमें आज मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए कल ये ऐसे काम करना, गुरुदेव कहते थे जब आप कथा सुनने के लिए आओ ना एक एक व्यक्ति 10-10 भक्तों को लेकर जाना, कितने कितने भक्तों को 10-10। गुरु जी कहते थे अगर कोई किसको अगर शराब पिला दोगे ना तो पाप लगेगा, किसको अगर जुआरी बना दोगे चोर बना दोगे उसका पाप तुम्हें लगेगा, लेकिन अगर किसको तुम भगवान की भक्त बना दिया कथा में ले आए उसको पुण्य भी तुम्हें प्राप्त होगा, उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे अगर आप एक व्यक्ति को भगवान की कथा बोल करके केवल एक व्यक्ति का मन को प्रभु की भजन में लगा, देखो कितना बड़ी बात कहते हैं, अगर कोई करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य तुम्हें मिलेगी अगर केवल एक व्यक्ति का मन को तुमने प्रभु का भजन में लगा दिया उससे करोड़ गुण ज्यादा फल मिलेगी। जब एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगा दिया, बोले क्यों, बोले जहाँ जाने पर जी कोई वापस नहीं आता, स्कूल कॉलेज खाना पीना 2 दिन बाद में ये सब खत्म हो जाती है, ये चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन भक्ति कभी नष्ट होने वाली चीज नहीं है। इसलिए क्या करना, कल एक एक गोपी और एक एक गोप 10-10 लोग को लेकर आना, और जिसको लेकर के आओगे ना गुरु जी कहते थे उसको जो पुण्य मिलेगी उसका आधा पुण्य लेने लाने वालों को मिलेगा, उसको जो पुण्य मिलेगी उसको आधा पुण्य जो उनको ले आएगा ना आधा पुण्य उसको मिलेगा, गुरुदेव कहते थे। इसलिए कल क्या करना, कथा सुना सुना करके चलो भागवत कथा हो रही है प्रसाद होगी कीर्तन नाच कूद बढ़िया होगा, चलो सब के सब कथा सुनने के लिए, ठीक है ना, सब के सब लेकर गाना। इसलिए जब भागवत कथा कहते भागवत का महिमा को अगर समझना तो कहते 4 दृष्टिकोण से उसको विचार करनी चाहिए। पहला दृष्टि है ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते वही सुन सकता है जन्मांतरे भवेत पुण्य, जिनको करोड़ों करोड़ों जीवन का पुण्य उदय हो तभी कथा सुन सकता है, तभी कथा सुन सकता है। अगर कोई बोले
भैया हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, हम तो बड़े पापी हैं। पर ये कथा क्या नहीं सुन सकते हैं, इसलिए भागवत में कथा दी है गोकर्ण धुंधुकारी की कथा दी। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, उसने अपना पिताजी को इतने मारा पिताजी घर छोड़कर चले गए। मैया को इतने पिटाई की मैया लाठ में आत्महत्या कुएं में की। जिसने छह छह वेश्याम घर में बुला करके रात करता, किसी बच्चे को कुएं को पास में देकर धक्का मारकर कुएं में गिरा दे, किसी घर में डाकू डाले, किसी घर में आग लगा दे, इतना उसने पाप कर्म किया उसने। आप कथा जानते हो, हर साल सुनते हो। जब श्री गोकर्ण ने घर में आया, देखा वो भूत बन करके बैठा हुआ, गोकर्ण ने कहा धुंधुकारी तेरे नाम पर मैं गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, मैंने इतने पाप किया मेरे नाम पर, एक बार क्यों, मेरे नाम पर अगर तुम 100 बार भी पिंड दोगे ना, मेरे को मुक्ति मिलने वाले नहीं, इतने मैं बड़ा पापी हूँ। लेकिन गया में एक बार कोई पिंड दे दो ना पितृपुरुष को उद्देश्य में, उसको जरूर उद्धार हो जाता है, एक बार पिंड दो। लेकिन वो इतना बड़ा पापी करते 100 बार पिंड देने पर भी मुक्ति मेरे को नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली, भागवत कथा से। किससे मिली, कैसे मिली, इसका मतलब है हम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल आओ और भागवत कथा 7 दिन में सुन लो, भागवत कथा 7 दिन में सुन लो, हैं? जरूर हमारी ये जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ठाकुर को चरण की भक्ति मिलेगी। इसलिए कथा कौन सुन सकता है, बोले पापी से पापी भी कथा सुन करके मुक्ति मिलेगी। अगर कोई बोलेगा हम क्या कम जानता है, यार सब पढ़कर लिखा है, सब जानता हूँ, हमने PhD करने का संस्कृत में, हम तो PhD किया, हमने किया इंजीनियर, हम सब ही भागवत गीता सब जानता हूँ। ये सुनी सुनाई कथा हम कितना बार सुनेंगे, हम बहुत बड़ा विद्वान है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, बोले तुम सुखदेव गोस्वामी जैसे ज्ञानी नहीं हो, हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे वो गर्भ में रहते समय, पेट में रहते समय भजन कर रहे थे, 16 साल तक गर्भ में बैठी बैठी भजन किया, और जब जन्म हुए ना उनको उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, परम ब्रह्म ज्ञानी थे, उसी समय में ही घर छोड़कर चली गई, पूरा ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन भागवत कथा में इतने आनंद, इसमें इतने रस है, जब केवल एक श्लोक उन्होंने सुना, एक श्लोक सुना, हमारी कृष्ण कितने सुंदर है, हमारे कन्हैया कितने सुंदर है, एक श्लोक सुना तो वो पागल हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूरी कथा सुन। इसका मतलब है कथा कौन सुन सकता है, ज्ञानी से ज्ञानी अगर हो, विद्वान से विद्वान अगर हो, वो भी कथा सुन सकते। बोले क्यों, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले राम कथा जे सुना ता अघाए, राम कथा जे सुना ता अघाए, कृष्ण कथा जे कृष्ण कथा जे सुना ताहाई, राजा विशेष जनका दीनि नाही, राजा विशेष जनका दीनि नाही, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई बोले आ रही कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, कितने सुने सुनाए कथा को सुनाए, बोले इसका मतलब समझो वो भक्ति रस को वो नहीं जानता है, भक्ति रस को वो नहीं जानता है। इसलिए जितने कथा सुने उतना लगता है और सुने और सुने। इसलिए कथा कौन सुन सकता, पापी से पापी सुन सकता है और ज्ञानी से
ज्ञानी भी ये कथा सुन सकते हैं। बोले भागवत में ये जो विषय वस्तु किया है, भागवत में विषय वस्तु किया, हरे कृष्णा हरे माताएं आप लोग कहाँ जा रहे हो, घर में जा रहे, लेट हो गया, अब 5 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद में कथा को विश्राम, पर प्रसाद का करके जाना, कथा को बीच में नहीं जाते हो, अगर सिनेमा हो ना 3-3 घंटा बैठ कर देखते हो, बैठ जाओ वहां पर, नहीं बोलते हो बोर हो गए, बैठ जाओ, कथा को बीच में जाने से पाप लगता है, 5 मिनट में विश्राम हो जाएगा, प्रसाद लेकर भी जाना, हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भागवत में विषय वस्तु क्या है, मतलब विषय वस्तु साधारण नहीं, भागवत में भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा, राधा जी की कथा है, बोले भक्ति यद्यपि उनको सब लोगों ने भक्ति की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसने की, बोले गोपियों ने जो भक्ति की ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उनकी जैसे भक्ति जगत में कुछ है नहीं, जिस भक्ति को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की धूल को प्रार्थना किया, ब्रज में गुल्म लता औषध बनने के लिए कोशिश की है, अगर मेरी जीवन धन्य हो जाएगा, अगर ब्रज में अगर मैं घास रूप में जन्म हो जाऊं, बोले घास रूप में क्यों प्रार्थना किया, बोले गोपियां जब श्रृंगार करते हुए कृष्ण को साथ में मिलने के लिए जाएगी, चल करके जाना पड़ेगा, अगर घास बन करके रहेंगे तो उनकी चरण धूल मिलेगी, लता क्यों बनना चाहता है, बोले कुंज कुंज में लीला करेंगे उनकी लीला दर्शन हो जाएगा, बोले औषध वृक्ष क्यों बनना चाहते हैं, बोले कभी बीमार पड़ेगा दवा तो लेंगे, जब दवा देंगे उनकी हृदय में चला जाएगा, इसलिए उनकी चरण की धूल को बंदना थी, इसलिए भागवत में गोपी प्रेम की पराकाष्ठा दिखाया है, इसलिए भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, अगर भागवत को बताया कि कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, अकाम सर्व काम बा वक्ष काम उदार दी, जितने सारे कामना वासना को लेकर के हो, निष्काम लेकर के हो, मुक्ति की कामना को लेकर के भी कथा सुनो भागवत तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर देगी, लेकिन 7 दिन तक ठीक से सुनना पड़ेगा हाँ, इसलिए बोले जो रोगी निरोग प्रदान करता, जो निर्धन उसको धन प्रदान करता, जिसको संतान नहीं उसको संतान प्रदान करता है, सब कुछ इच्छाओं को ये भागवत पूरी करता है, इसलिए भागवत कल्प वृक्ष बताया गया, लेकिन अगर 7 दिन तक मन देकर कथा सुननी चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए, बोले कथा से पहले और जाओ कब, जब कथा समाप्त हो जाए, सबको प्रणाम करते हुए आप प्रसाद लेकर तुम कथा से जाओ, 7 दिन तक कथा सुना, जो मांगोगे तुम्हें वही भागवत तुम्हें वही प्रदान करेगा भागवत, ठीक है, इसलिए कल से कितने से कथा शुरू होगी, कितने 5 बजे से, 5 बजे से लेकर कितने बजे तक, 8 बजे तक, अगर आप लोग ठीक से टाइम में आ जाओगे ना 8 बजे विश्राम कर लेंगे, अरे प्रसाद बांग सबके सब जाना, ठीक है आज हम कथा को यही विश्राम देते हैं, कल से सबके सब टाइम जाना, ठीक है कथा को, और अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे, अरे भजन में सबके सब नाचने का है, इसलिए सबके सब खड़े हो जाओ, और जो बताया ना बच्चों को भेजना 10 से लेकर के 12 बजे तक क्लास है, और हमारे जीत प्रभु यहाँ पर है, और जीत प्रभु जी हरि बोल, हाँ जीत प्रभु स्टेज पर, जल्दी करो जल्दी, हरे कृष्णा हरि बोल, एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए, अनाउंसमेंट है, सभी एक बार हाथ उठा के बोलो बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है, हर वर्ष की तरह इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में जो ये भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इसी के अंदर ही जो हमारा हर साल जैसे सेमिनार होता है बच्चों के लिए, जिस सेमिनार से मैं भी जुड़ा था और हम आके यहाँ पर काफी चीजों को जो सीखे, हरि बोल, हरि बोल, हाँ
तो जो सेमिनार कल होगा ये विशेष करके बच्चों के लिए, जो बच्चे 9th-10th क्लास से लेकर कॉलेज तक, उसके आगे जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एक विशेष क्लास है। इसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, ये एक केवल भावनात्मक स्तर पे नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। और कैसे हम उसको रिलेट करके बताएंगे कि जो आज की दुनिया है, आज का जो जमाना, अभी देखो आप लोग सब माता जी सब ध्यान से सुनो, अभी घर के अंदर हमारे बच्चों को कुछ भी करने का बोलते, क्या वो बात को मानते हैं? कोई बात को नहीं मानता ना। उनसे बोलो पूजा करो, तुलसी की परिक्रमा करो, कोई बात को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि पीछे कारण क्या है। बिना कारण के आजकल कोई बात को नहीं मानेगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हो गए। तो इसी चीज को सामंजस्य करने के लिए हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इसके अंदर हम बताएंगे कि भगवान कौन है, हम लोग इस संसार में क्यों हैं, गीता क्या है, भागवत क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे कई सारे बड़े बड़े कारण छुपे हुए हैं। हम जो आसपास दुनिया देख रहे हैं, दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई, किन तत्वों से बनी हुई है, और कैसे हम दुखी हैं। हमारा जो कल सेमिनार होगा उसके टॉपिक्स है, मैं बता देता हूँ उसके टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। पहला टॉपिक है कि हम खुश क्यों नहीं है, ये दुख हमारे जीवन में क्यों है। ऐसा कोई व्यक्ति हाथ उठा के बताएगा कि मैं बस सुखी हूं, और कोई बोले कि मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई हाथ उठाओ तो बता दो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इस विषय में हमारे सेमिनार में बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके विषय में बताया जाएगा। तीसरा टॉपिक है हाउ टू रिलीज स्ट्रेस। आजकल देखो स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, सबको ये बीमारियां अक्सर करके हो रही है। मेंटलिस्ट और जितने भी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके जो हॉस्पिटलों के आगे भीड़ लगी हुई है, सबको टेंशन है। कोई टेंशन मिटाने के लिए दारू पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, लेकिन इन सबसे हमारा इलाज होने वाला नहीं। तो कल हम बताएंगे, कल जो सेमिनार चालू होगा उसमें हम बताएंगे कि हमें स्ट्रेस से कैसे निकलना है। और हमारा चौथा टॉपिक है कि आईज टू सी गॉड, क्या हम इन आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान कौन है, डज गॉड एग्जिस्ट, और भी कई कई टॉपिक है कि कैसे हमारा जो धर्म है ये केवल एक दिखावा नहीं है, ये एक भावनात्मक स्तर पे नहीं है, इस सबके पीछे जुड़े हुए एक रहस्य है, सबके पीछे साइंस है, उसको रिलेट करके हम आपको बताएंगे। तो आप सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में माता जी, सभी सुनो, अपने बच्चों को सभी भेजना। माता जी आएंगी तो सुन के अपने बच्चों को समझाओ, लेकिन अगर बच्चों को डायरेक्ट लेके आ जाए तो बड़ा फायदा होगा। और ये जो सेमिनार होगा उसको बताने के लिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु है जयपुर से, वो आएंगे और इसके विषय में सारी बातों को बताएंगे। इसी सेमिनार से मैं भी जुड़ा था, आज से 3 साल पहले जब ये सेमिनार इसी जगह पे हुआ था, ये जगह बड़ी विशेष है, इस जगह से कई लोगों का उद्धार हुआ है। और पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ जो श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है ये साधारण नहीं है, स्वयं भगवान की कृपा है। और आप लोग जो आके सुनते हो सब अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि आप कितने सौभाग्यशाली हो। हम तो अभी अभी आए, हम तो अभी अभी चिंता के लिए। और ये जो भागवत जो ये जो कथा है, ये जो इसका जो आयोजन हो रहा है, ये सभी के सहयोग से हो रहा है, और इसके अंदर किसी ने टेंट की व्यवस्था करी है, किसी ने माइक की व्यवस्था करी है, किसी ने प्रसाद की व्यवस्था करी है। जैसे आज हमारे जो सुशील झा प्रभु जी है, सुरेश झा प्रभु जी जो है, उन्होंने आज जो ये हमारे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करी है, जो कथा के बाद हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार सुरेश झा प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनसे निवेदन करेंगे कि वो कथा के बाद स्टेज पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद लेके आरती करेंगे। और जो सेमिनार होगा कल से 3 दिन तक जो सेमिनार होगा, सुबह 10 से 12, उसका सेमिनार के बाद भी सभी बच्चों के लिए और जो भी आएंगे सेमिनार को अटेंड करने के लिए, सभी के लिए एक प्रसाद की व्यवस्था है। और ये सेमिनार के अंदर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीखेंगे, कैसे आज के ज़माने में इंग्लिश पर्सनैलिटी कैसे हमारी डेवलप होगी, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, इन सब के विषय में हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आप सबसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ये सेमिनार और भागवत कथा जो हो रही है इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्री भागवत भगवान की आरती,
पापियों को पाप से I'm not afraid of the dark.
పక్కన ఉండేవాడు. అక్కడ కాంపిటీషన్ మీద కృష్ణ రాధారాణి రాధారాణిగా పాటి జిత్తి అంటే జిత్తే రాధారాణి ఒకటి హారేది రాధారాణి హారాణి రాధారాణితో ఏం గారు హరుగా నీ జై శ్రీ శ్రీ గురానందరికి కాదు రాధా గోవింద గోపినాథ మదన మోహన జీవికి జయ శ్రీ లాభ శశి భక్తి శ్రీ సిద్ధాంతి గోస్వామి.